हाय फ्रेंड, अगेन वेलकम टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग इनलेट। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ रिफाइनरी क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन, रिवॉइलर इज कंसीडर्ड एज वन थ्योरेटिकल प्लेट बिकॉज, ऑप्शन ए, ऑफ द अजम्पन दैट वेपर एंड लिक्विड लिविंग द रिवॉयलर आर इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी, वेपर इज रिसाइकल टू द कॉलम, ऑप्शन सी, रिवॉयलर इट्सेल्फ कंटेन वन प्लेट्स, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर है आंसर ए, ऑफ द अजम्पन दैट वेपर एंड लिक्विड लिविंग द रिवॉयलर आर इन इक्विलिब्रियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम इज, ऑप्शन ए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइडियल प्लेट टू एक्चुअल प्लेट, ऑप्शन बी, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्चुअल प्लेट टू आइडियल प्लेट, ऑप्शन सी, सेम एज द मर्फी इफिशियंसी, ऑप्शन डी, ऑलवेज मोर देन द पॉइंट इफिशियंसी। तो आपका राइट आंसर है आंसर ए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइडियल प्लेट टू एक्चुअल प्लेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकअप वाटर इज रिक्वायर्ड इन ए कूलिंग टावर टू रिप्लेस द वाटर लॉस्ट बाय, ऑप्शन ए, इवोपरेशन, ऑप्शन बी, ड्रफ्ट, ऑप्शन सी, ब्लो डाउन एंड लीकेज, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका राइट आंसर है आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डिस्टिलेशन कॉलम विथ इंक्रीज इन द रिफ्लक्स रेशियो द हीट रिमूव्ड इन द कूलर, ऑप्शन ए, इंक्रीज, ऑप्शन बी, डिक्रीज, ऑप्शन सी, रिमेंस अनअफेक्टेड, ऑप्शन डी, एंड द हीट रिक्वायर्ड इन रिबॉयलर डिक्रीज। तो आपका राइट आंसर है आंसर ए, इंक्रीज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट डॉट, कॉलम आर यूज फॉर लिक्विड डिस्प्रेशन इन ए कंटिन्यूस गैस फेज, ऑप्शन ए, पैक्ड, ऑप्शन बी, पल्स, ऑप्शन सी, बबल कैप, ऑप्शन डी, सी प्लेट। तब का राइट आंसर है आंसर ए, पैक्ड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज वेयर एल, लिक्विड फ्लो रेट, जी, गैस फ्लो रेट, एंड एम, स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन, ऑप्शन ए, एल अपान एम जी, ऑप्शन बी, जी अपान एम एल, ऑप्शन सी, एम एल अपान जी, ऑप्शन डी, एल जी अपान एम। तो आपका राइट आंसर है आंसर ए, एल अपान एम जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम डिस्टिलेशन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज इफ द, ऑप्शन ए, एजियोटॉपिक मिक्सर इज टू बी सेपरेटेड एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज मिसिबल विथ वाटर, ऑप्शन बी, लिक्विड डिकम्पोज इफ डिस्टिलेट डायरेक्टली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी, मटेरियल कैन नॉट बी डिस्टिलेट बाय इनडायरेक्ट हीटिंग इवन अंडर लो प्रेशर बिकॉज ऑफ द हाई बॉइलिंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी है, मटेरियल टू बी डिस्टिलेट इज थर्मली अनस्टेबल और हैज़ द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर कंपोनेंट एसोसिएटेड विथ इट एट द बॉइलिंग टेम्परेचर। आपका राइट आंसर है आंसर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिफ्लक्स रेशियो इन ए डिस्टिलेशन कॉलम रिजल्ट इन, ऑप्शन ए, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रेस, ऑप्शन बी, मिनिमम रिबॉयलर साइज, ऑप्शन सी, मैक्सिमम कंडेंसर साइज, ऑप्शन डी, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे। तो आपका राइट आंसर है आंसर सी, मैक्सिमम कंडेंसर साइज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्जेंट, ऑप्शन ए, फैटी अल्कोहल, ऑप्शन बी, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ऑप्शन सी, फैटी एसिड, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मेथिलीन क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर है आंसर बी, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन ए, सी यू एंड एच टू का,
ऑप्शन बी N2 एंड H2 का, ऑप्शन सी H2 एंड CH4 एंड CO का, ऑप्शन डी CO2 एंड H2 का। तो आपका राइट आंसर है आंसर ए CO एंड H2 का। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जिसके लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग इनलेट। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।